हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एवीएस टेक अनंत सोनी में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं ऑलवेज आपके लिए यहां पे मनी मेकिंग टिप्स बताता हूं, ट्रिक्स बताता हूं। अगर आपका ब्लॉग है, अगर आपका ड्रॉपशिपिंग स्टोर है, तो ये सारी चीजें आपको कैसे ग्रो करनी है, ये सारे टॉपिक्स मैं यहां पे कवर करता हूं। यहां तक कि मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूं कि मान लीजिए अगर आपका यूट्यूब चैनल है उसको भी आपको कैसे ग्रो करना है, वो सारी चीजें भी मैंने यहां पे हुई। अगर आप ये कुछ वीडियोस देखेंगे जहां पे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड रिसर्च वगैरह आपको कैसी करनी है और अगर आपका यूट्यूब चैनल है उस पे व्यूज कैसे लेके आना है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बताई हुई हैं। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब का एक नया अपडेट आया है जहां पे उन्होंने जो न्यू पॉलिसी अपडेट की है कि मतलब मोनेटाइजेशन की जो भी पॉलिसीज अपडेट हुई है वो सारी चीजें उन्होंने यहां पे बताई हुई है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या नई चीजें अपडेट हुई हैं और उसके क्या रिजल्ट आएंगे। और यहाँ तक कि मैंने YouTube से डायरेक्ट चैटिंग पर भी बात की। अगर आपको नहीं पता है कि चैटिंग पे कैसे बात करते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको YouTube से आप डायरेक्ट कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 24 आवर में आप उनसे डायरेक्ट चैटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका भी आपको रिप्लाई करूंगा या एक नया वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आप कस्टमर केयर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बातें होती रहेंगी। तो आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2020, मतलब जो भी जनवरी 2020 में नए अपडेट्स आए हैं वो सारी चीजें मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कौन से चैनल है जो की मोनिटाइज हो सकते हैं, कौन से चैनल है जो की मोनिटाइज नहीं हो सकते हैं, अगर आपका चैनल ऑलरेडी मोनिटाइज है तो आपके चैनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आपको किस टाइप के वीडियो डालने चाहिए और किस टाइप के वीडियोस हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो चलिए, ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि YouTube क्या चीजें आपके चैनल पे देखता है रिव्यू करने के लिए। मान लीजिए आपका चैनल अगर मोनिटाइज नहीं है और आप उसके लिए मोनिटाइजेशन के लिए अगर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो वो आपके चैनल में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि वो देखेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है मेन थीम, मतलब आपका जो चैनल है वो किसी एक थीम पे होना चाहिए। एक थीम, चाहे आप टेक ले लीजिए, किचन ले लीजिए, हिंदी स्टोरीज ले लीजिए या फिर आप फनी वीडियोस ले लीजिए, मतलब कोई ना कोई एक थीम जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आपको जो भी मिला, मान लीजिए आपने कहीं से कोई वीडियो उठाया वो आपने डाल दिया, या फिर आप गार्डन में बैठे वहां का वीडियो डाल दिया, किसी दिन कोई टेक का वीडियो डाल दिया, किसी दिन कोई फनी वीडियो डाल दिया। तो थीम सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब अगर आपको एक मीडियम दे रहा है तो उसमें उसका भी प्रॉफिट होना चाहिए। और प्रॉफिट कैसे होता है, यूट्यूब का एडवर्टाइजिंग से। अगर उनको ये चीज ही समझ में नहीं आएगी कि आपका चैनल किस थीम पे बेस है, तो वो आपके चैनल के लिए कौन से एड्स दिखाएं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है थीम की, आपके वीडियोस में एक मेन थीम होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है मोस्ट व्यूड वीडियोस। जो भी वीडियोस में आपके सबसे ज्यादा व्यूज हैं, उन वीडियोस को देखा जाएगा, उन वीडियोस को सबसे अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा कि आपने उन वीडियो में कुछ भी ऐसा तो नहीं बोला है या कुछ ऐसी इलीगल चीज तो नहीं दिखाई है कि उसकी वजह से उसमें ज्यादा आपके व्यूज आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो भी आपके वीडियोस में अगर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो उनकी आपको टैगलाइन, मेटा टैग, ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए कि जो वीडियो में दिखाया है वही चीज आपकी होना चाहिए। अब उसके बाद जो भी आप नए वीडियोस अपलोड करेंगे, मान लीजिए आप जब भी चैनल को रिव्यू के लिए भेजते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप खुद भेज सकते हैं। पहले क्या होता था कि यूट्यूब चैनल खुद ही रिव्यू में चले जाया करते थे अभी, लेकिन जैसे ही आपका 4000 वॉच टाइम होता है और आपका 1000 जो सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास खुद ये ऑप्शन होता है कि आपको अभी रिव्यू के लिए भेजना है या नहीं भेजना है। यहाँ पे आपके पास सबमिट का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज चेक कर लेना है कि आपके चैनल में ऐसी कोई भी इलीगल चीज ना हो जिसकी वजह से आपका चैनल रिव्यू में जाए और वो अप्रूव ना हो, ठीक है। तो आपके लिए इन चीजों का भी ध्यान देना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, कि आपके वीडियोस में जो भी वॉच टाइम आ रहा है वो वॉच टाइम आ कहां से रहा है। क्योंकि अगर आपने 4000
घंटे अगर कंप्लीट किए हैं तो वो 4000 घंटे आपने कैसे कंप्लीट किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी इलीगल साइट्स पे अपने वीडियोस को पोस्ट किया हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू किया होगा, क्योंकि अगर आपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी अगर किया होगा और यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग के थ्रू अगर किया होगा तो वो आपका वर्स्ट टाइम यहाँ पे काउंट नहीं होता है। और अगर आप बाकी किसी एडवर्टाइजिंग के थ्रू करते हैं, मान लीजिए आपने फेसबुक की एडवर्टाइजिंग के थ्रू किया है, तो आपका वो वर्स्ट टाइम काउंट होगा, क्योंकि इससे यूट्यूब को कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज ये हो गई कि आपका जो भी वर्स्ट टाइम आ रहा है वो किन सोर्सेज से आ रहा है, वो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आपका वर्स्ट टाइम को वो वैलिड मानेंगे तो ही आपके चैनल को रिव्यू करेंगे और अप्रूव करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है वीडियो मेटा डेटा। इसमें आपका वो टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन सारी चीजें चेक करेंगे। और अगर सही मायनों में कहा जाए तो ये चीज चेक होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे करोड़ों वीडियोस, मतलब लाखों वीडियोस ऐसे पड़े हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए उनका टाइटल कुछ अलग लिखा हुआ है, थंबनेल कुछ अलग लगा हुआ है और डिस्क्रिप्शन कुछ अलग लिखा हुआ है, मतलब कहा जाए तो उन तीनों चीजों में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मान लीजिए कि हमने यूट्यूब पे सर्च किया साउथ इंडियन मूवीज, या फिर आप किसी भी नई मूवी का नाम अगर सर्च करते हैं, मान लीजिए दबंग 3 फुल मूवी। अब यहाँ पे जब आप सर्च करते हैं कि दबंग 3 फुल मूवी, तो आपको रिजल्ट्स आते हैं, बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। और आप उन वीडियोस को जब ओपन करके देखते हैं तो किसी में प्रमोशन पड़ा है, किसी में प्रमोशन का वीडियो है, किसी में किसी का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, लेकिन आपको जो भी थंबनेल लगा रहेगा वो रॉन्ग रहेगा, और जो भी उसका टाइटल लिखा रहेगा वो रॉन्ग रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, वो सारी चीजें रॉन्ग रहेंगी। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कि फॉलो द यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। आपको ये सारी चीजें YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ये ऑब्वियसली बात है कि सभी को पता है कि यहाँ पे आपको हेट स्पीच नहीं डालना है, आपको यहाँ पे हैरेसमेंट या हार्मफुल चीजें नहीं डालना है, यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी, न्यूडिटी और स्पैम, सेक्सुअल ये कंटेंट आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये चीजें आपको सारी चीजें पता होंगी। अब इसके बाद जो नया अपडेट है वो यहाँ पे अभी हम बात कर लिया करते हैं कि नई और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉलो एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज। अभी तक आप YouTube की गाइडलाइंस को तो फॉलो कर रहे थे कि उनकी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को आपको फॉलो करना है, साथ ही साथ आपको एडसेंस प्रोग्राम की पॉलिसीज को भी फॉलो करना है। इन दोनों पॉलिसीज को आपको साथ में फॉलो करना है और उन दोनों चीजों को ही आपको मानना होगा अगर आप YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है रिपीटियस कंटेंट। आपके चैनल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो भी एक कंटेंट बनाया है, मान लीजिए आपने कोई एक वीडियो बनाया है और वो चीज आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, वो पॉपुलर होने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि सेम टू सेम कंटेंट आपने दोबारा बना के डाल दिया। मतलब कहा जाए तो उन लोगों को ये भी ना पता चले कि इन दोनों वीडियोस में अंतर क्या है। तो आपको ऑलवेज ये ट्राई करना है कि जो भी आपके वीडियोस हों वो ऑलवेज थोड़े से डिफरेंट रहें। मान लीजिए आप टेक्निकल वीडियो बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपका टेक्निकल वीडियो हर बार अलग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक बार बता दिया कि हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, तो आप फिर से उसी चीज को बता रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, और बाकी आप सारे स्टेप, सारी चीजें आप ए टू जेड सेम चीज बता रहे हैं, तो ये चीज कंसिडर होती है रिपीटियस कंटेंट में। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये भी चीज समझ में ना आए कि आपके ये जो कंटेंट है इनमें डिफरेंस क्या था। तो एक चीज तो ये हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है कि व्हाट इज अलाउड टू मोनेटाइज। यहाँ पे कौन सी चीजें हैं जो कि आप मोनेटाइज कर सकते हैं और यूट्यूब भी उस चीज के लिए अलाउ करता है कि आप उन चीज के लिए मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो कंटेंट क्रिएट करना है जो कंटेंट लोगों को देखें और उनको वो चीज पसंद आए, वो चीज अपीलिंग हो और उनको उसको देखने में इंटरेस्ट आए और उसमें ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम आए। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ऐसी चीजें कौन सी चीजें हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं कि सेम इंट्रो होना चाहिए, सेम आउट्रो होना चाहिए वीडियो में, और जो भी आपका कंटेंट है वो आपका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने लिखा है द बल्क ऑफ द कंटेंट इज डिफरेंट, मतलब आपका सेम इंट्रो सेम आउट्रो हो सकता है लेकिन आपका जो कंटेंट है वो आपका हर बार डिफरेंट ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर भी बताया कि आपको सेम टू सेम कंटेंट यहाँ पे ऐड नहीं करना है। अब इसके बाद एक और जो चीज आती है कि आप ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही टॉपिक पे, मतलब कहा जाए कि जैसे मान लीजिए कि मैं शॉपिफाई के बारे में एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। अब मैं शॉपिफाई के बारे में यहाँ पे 15 ट्यूटोरियल मैं बना सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि वहां पे एक स्पेसिफिक टॉपिक आपके हर बार अलग अलग होना चाहिए। मान लीजिए कि आप वहां पे लिख रहे हैं कि शॉपिफाई
ट्यूटोरियल, लेकिन एक में आप यहाँ पे बताएंगे कि आप स्टोर कैसे बनाए, एक में आप बताएंगे कि उनको प्रमोट कैसे करें, या फिर अगर स्टोर ही आप बना रहे हैं तो उसमें भी आप 5-6 स्टेप कर सकते हैं कि पहले आप डोमेन कैसे ऐड करें, फिर आप उसके बाद उसमें प्रोडक्ट कैसे ऐड करें। तो ये कुछ एक स्टेप्स हो सकते हैं कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप एक छोटी सी क्लिप बनाते हैं जिसमें आप बताते हैं कि ये मेरा एक कोर्स है, या फिर यहाँ पे ये मैंने सारी ट्यूटोरियल्स यहाँ पे बताई हुई हैं कि आप एक कंप्लीट शॉपिफाई स्टोर कैसे बना सकते हैं, और उसमें आप बताएंगे कि ये जो भी छोटी छोटी क्लिप्स हैं और उसमें आप बताएंगे कि ये जो भी ट्यूटोरियल्स मैंने बताई हैं, ये सारी ट्यूटोरियल्स आप चेक कर सकते हैं। इस टाइप की अगर कोई भी क्लिप आप बनाते हैं तो उसको भी मोनिटाइजेशन में कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है कि वो कौन कौन सा कंटेंट है जो कि गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं, मतलब गाइडलाइंस के खिलाफ हैं, तो आपको उन चीजों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने चीजें बताई हुई हैं कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपको इस टाइप की चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है वो है कंटेंट दैट एक्सक्लूसिवली फीचर रीडिंग ऑफ अदर मटेरियल यू डिड नॉट ओरिजिनली क्रिएटेड लाइक टेक्स्ट फ्रॉम अदर वेबसाइट और न्यूज फीड। मान लीजिए कि ये जो भी कंटेंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ही कंटेंट अगर मैं आपको यूट्यूब की साइट पे पढ़ के बता रहा होता तो ये यूट्यूब की साइट की न्यूज फीड होती और मैं उसको अगर आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि वो और ऑब्वियसली बात है मेरा कंटेंट नहीं है। और इसी टाइप से अगर मैं किसी और की कोई वेबसाइट खोल के अगर उसका कोई टेक्स्ट पढ़ के आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं ऐसी कोई ट्यूटोरियल ही यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे इस चीज के लिए लेके मैं खुद यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये चीजें क्या है। मतलब इस चीज के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया करता हूँ कि डायरेक्ट मैंने गूगल से चैटिंग की, और वो चैटिंग भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि मेरी उनसे क्या बात हुई। यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूजन मुझे ये था कि मान लीजिए कि किसी की भी वेबसाइट में ओपन करता हूँ, मैं किसी का रिव्यू बना रहा हूँ, तो क्या वो चीज यहाँ पे इलीगल है या नहीं है। मान लीजिए कि अगर मैं शॉपिफाई की ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि शॉपिफाई जो है वो मेरा प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं उसकी ट्यूटोरियल बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गूगल सपोर्ट से बात की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भी आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है गूगल का ही है, और ये चैट सपोर्ट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि चैट सपोर्ट से मैंने यहाँ पे बात की हुई थी। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ कि यहाँ पे मेरी क्या बात हुई। यहाँ पे जो सबसे पहला सेंटेंस था, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग यूट्यूब क्रिएटिव सपोर्ट, तो यहाँ पे जो यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट है उसमें कोई जोश नाम का बंदा था, उससे मेरी यहाँ पे बात हुई। अब जो मेरा कंफ्यूजन था कि एज पर पॉलिसी कंटेंट दैट एक्सक्लूसिवली फीचर रीडिंग ऑफ द अदर मटेरियल यू डिड नॉट ओरिजिनली क्रिएटेड लाइक टेक्स्ट फ्रॉम अदर वेबसाइट और न्यूज। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि आई वॉन्ट टू नो दैट इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ट्यूटोरियल ऑन शॉपिफाई अबाउट हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर, कैन आई क्रिएट अ ट्यूटोरियल यूजिंग द शॉपिफाई वेबसाइट और नॉट। तो फिर उसका यहाँ पे रिप्लाई आया कि अनफॉर्चुनेटली आई एम अनेबल टू ऑफर एडिटोरियल एडवाइस ऑन इट, आई वुड रिकमेंड विजिट अवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो YouTube के बंदे हैं, मतलब अगर कहा जाए तो कस्टमर केयर सर्विस जो है, उनको भी ये चीजें पता नहीं है, और कहा जाए तो वो भी इस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे उन सारी चीजें यहाँ पे बोली हैं कि मैं खुद यहाँ पे आपकी जो भी गाइडलाइंस वगैरह है वो सारी पढ़ के मैं खुद और ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पे उसने फिर से मुझे यही चीज बोला है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो गाइडलाइंस उन्होंने दी हुई है, ये चीज मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप यहाँ पे ये चीज देख लेना कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह उन्होंने बताई हुई है। साथ ही मैंने फिर से यही चीज क्लियर करके पूछा है कि मैं इस टाइप की ट्यूटोरियल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है, शॉपिफाई इज नॉट माइन बट आई वॉन्ट टू क्रिएट ट्यूटोरियल्स ऑन शॉपिफाई, इज इट वैलिड और नॉट। तो यहाँ पे उनका कोई भी एक भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं था, और उनका सिर्फ यही कहना था कि एज मच एज आई वॉन्ट टू आंसर दैट यू, आई कुडंट गिव यू द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। मतलब कहा जाए तो उनके पास भी इससे रिलेटेड कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं है, और वो कुछ भी शेयर करने के लिए नहीं है। उनका सिर्फ एक ही चीज कहना है कि जो भी उन्होंने लिंक शेयर की है कम्युनिटी गाइडलाइंस की, आपको उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। अब आपको उनसे जितना समझ में आए आप उतना वहां पे समझ लीजिए। तो ये पूरी कुछ ऐसी चैट थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग वगैरह, थैंक यू वगैरह। और उसके बाद ये फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। तो तकरीबन ये 8-10 मिनट की आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1:11 पे शुरू हुई थी और 1:11
के 21 मिनट मतलब 10 मिनट में पूरी चैट खत्म हो गई और यहाँ पे कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि ये चीजें हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि शायद इसमें क्या चीज हो सकती है कि आप यहाँ पे खुद का स्टोर अगर बना के उसके अंदर कुछ भी दिखा रहे हैं तो वो चीज आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपका स्टोर आप बनाया है आपने, तो आप अपने स्टोर के अंदर यहाँ पे चीजें दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपने वर्डप्रेस पे भी अपना स्टोर बनाया है तो आप उसके अंदर की ट्यूटोरियल्स भी सारी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या चीज नहीं करना है कि कहीं भी आपको न्यूज मिली या कुछ भी पेपर कटिंग वगैरह इस टाइप की चीजें आपको नहीं दिखाना है और किसी और के ब्लॉग्स को रीड नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड चीज है कि जो भी सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उनकी आपको स्पीड पिच वगैरह ये सारी चीजें मॉडिफाई करके आपको एड नहीं करना है, क्योंकि आप ये सारी चीजें करते जरूर हैं, लेकिन उन सारी चीजों के लिए अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि आप मेरे वीडियोस को ही अगर अपलोड करते हैं तो जब मुझे वो वीडियोस के बारे में पता चल जाता है कि मेरे वीडियोस कहां कहां अपलोड हुए हैं, अगर आपने मेरा इंट्रो हटा दिया जो भी मैंने लास्ट में बोला था वो सारी चीजें आपने हटा दी और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने जो मेन कंटेंट था वो अकेला रखा है, तो मुझे ये चीज पता चल जाता है कि मेरा 70%, 80%, 90% वीडियो मेरा यूज हुआ है। तो अगर मुझे पता चल जाता है तो YouTube को तो ऑब्वियसली बात है कि YouTube ने ही सिस्टम बनाया है तो उसको तो हर चीज पता होगा। तो आप अपने आप को ओवर स्मार्ट ना समझें और ये चीजें मत कीजिए कि आपने कोई भी एक सॉन्ग लिया उसमें आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड डाल दिया या उसकी स्पीड धीमी तेज कर दी, उसका पिच वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो इन सब चीजों से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। YouTube हर चीज यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया करता है। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिमिलर रिपीटेटिव कंटेंट और माइंडलेस कंटेंट, मतलब ऐसा कंटेंट जिसका कोई भी मतलब नहीं है वो कंटेंट आपको नहीं डालना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब आपके मन में आया तो आपने आज बैठे बैठे कुछ भी बोल बाल के एक वीडियो डाल दिया कि सामने वाले को कुछ समझ में आया नहीं आया, तो इस टाइप के वीडियोस आपको नहीं डालना है कि जिनका कोई भी मतलब नहीं है, मतलब माइंडलेस मीनिंगलेस ये जो है इस टाइप की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और कहा जाए तो आप क्यों फालतू लोगों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और खुद भी ऐसी चीजें बना के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है टेम्पलेटेड मास प्रोड्यूस्ड और प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड कंटेंट, कि आपको ऐसा कंटेंट नहीं यूज करना है जो किसी प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे जनरेट किया गया हो। मतलब ऐसा भी, अब इस चीज को मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन शायद यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपको वॉइस बना के दे दिया करते हैं, तो शायद वो चीजें यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगी। यहाँ पे जो आपके वीडियो होना चाहिए वो खुद की वॉइस में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर से जनरेटेड होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने टेम्पलेट दिखा दिए और उसमें एक कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया, तो आपको इस चीज को भी नहीं करना है कि आपने सिंपल सा बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर दिया। आपको अपनी वॉइस जरूर डालना है, उसमें कमेंट्री जरूर डालना है, वो चीज आपको जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसा कौन सा कंटेंट है जो कि यूट्यूब आपको मोनिटाइज नहीं करने देगा। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है रीयूज्ड कंटेंट की बात, कि यहाँ पे रीयूज्ड कंटेंट को आप किस टाइप से यूज कर सकते हैं और जो यूट्यूब है, एडसेंस है, इन सारी चीजों को ये रीयूज्ड कंटेंट को कैसे टैकल करता है। यहाँ पे आप रीयूज्ड कंटेंट को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उनकी गाइडलाइंस लिखी हुई है, मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो वो चीज आप जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रीयूज्ड कंटेंट रिफर्स टू द चैनल दैट रीपर्पस समवन एल्स कंटेंट विदाउट एडिंग सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंट्री और एजुकेशनल वैल्यू। मतलब आप यहाँ पे कंटेंट को यूज तो कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो भी इनकी एडसेंस सर्च कंसोल पोर्शन है वो यहाँ पे चेक करता है कि वो इस चीज को कैसे हैंडल करेगा। तो ये चीज अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने ये भी चीजें लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अलाउ हैं इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं जो रीयूजेबल में यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हम अलाउ में यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लिया करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अलाउ हैं। अब यहाँ पे आप किसी की एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो कि क्रिटिकल रिव्यू के लिए आप यूज कर सकते हैं। क्रिटिकल रिव्यू कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल सा उसका ही वीडियो उठाया और आपने वो पूरा दिखा दिया तो ये कोई क्लिप नहीं हुई और क्रिटिकल रिव्यू भी नहीं हुआ। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे वॉइस आपकी होनी चाहिए या फिर वॉइस थोड़ी बहुत उसकी भी हो सकती है। आप वहां पे ये चीज बोलेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने मेरा कोई एक वीडियो लिया कि यहाँ पे अनंत विजय सोनी का ये कहना था कि आपको
यहाँ पे क्या चीजें नहीं करना है, वहां पे अगर आप मेरी क्लिप दिखाते हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और शायद उससे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चलिए मेरा भी प्रमोशन हो रहा है और यूट्यूब को तो ऑब्वियसली बात है इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका वॉइस ओवर रहेगा वो आपको जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि सिंपल सा आपने कोई भी क्लिप उठाई, कोई भी मूवी की क्लिप उठाई और आपको उसको डाल दिया। यहाँ पे आप चाहें तो किसी भी मूवी की क्लिप भी आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मूवी की क्लिप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मूवी की जो भी आप यहाँ पे क्लिप ऐड करेंगे उसमें आपको वॉइस ओवर जरूर ऐड करना है। मतलब आप चाहें तो उसको डायलॉग वहां पे अपने अंदाज में बोलिए, आप चाहें तो अपने हिसाब से उसको बोल सकते हैं। अभी तक आपने टिकटॉक वगैरह पे क्या देखा है कि वहां पे आवाज किसी और की रहा करती है और यहाँ पे एक्टिंग जो है वो रहा करती थी आपकी। अब यहाँ पे आपका उल्टा रहेगा कि यहाँ पे एक्टिंग किसी और की रहेगी और उस पे आवाज आपकी रहेगी। तो अगर आप ये चीज कर सकते हैं तो भी आप यहाँ पे मूवी क्लिप्स के सीन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और किसी भी रिप्ले ऑफ टूर्नामेंट वगैरह ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि उसमें कमेंट्री वगैरह जो भी है, जो भी वॉइस ओवर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। और अगर कोई भी ओरिजिनल वीडियो है उसके लिए आपका रिएक्शन क्या है, मान लीजिए किसी मूवी का ट्रेलर आया तो आप चाहते हैं कि उस ट्रेलर को देख के आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। मान लीजिए कि आपने दबंग 3 का ट्रेलर देखा, अब आप उसका एक स्टोरी या उसका एक अजम्पशन लगा के या उसकी एक कमेंट्री बना के आप वहां पे उस चीज को पोस्ट कर सकते हैं और इस चीज को आप मोनिटाइज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पे और भी क्रिएटर्स के जो भी फुटेज वगैरह हैं उनको आप यूज कर सकते हैं और उनको एज अ स्टोरी लाइन और कमेंट्री के साथ आप यहाँ पे पब्लिश भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अपने चैनल को मोनिटाइज करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपने चैनल को मोनिटाइज नहीं करवा सकते हैं, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंटेंट दैट वायलेट्स दिस गाइडलाइंस, कि मतलब जो रीयूजेबल कंटेंट है वो आपको यहाँ पे कौन सा कंटेंट है जो आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला है कि टिकटॉक का एग्जांपल दिया कि टिकटॉक में क्या होता है कि आवाज किसी और की रहा करती है, सिर्फ आपकी वहां पे एक्टिंग रहा करती है, तो वो चीजें आप यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिप्स ऑफ मोमेंट्स फ्रॉम योर फेवरेट शो एडिटेड टुगेदर विथ अ लिटिल और नो नैरेटिव। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट वीडियोस यू कंपाइल्ड फ्रॉम द अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स। ये जो है ये कहने का मतलब ये है कि टिकटॉक वगैरह से आपने छोटे छोटे से वीडियो यहाँ पे उठाए और सिंपल सा उनको यहाँ पे एक बड़ा वीडियो बना के यहाँ पे पब्लिश कर दिया, तो वो चीज यहाँ पे आप उस चीज को मोनिटाइज नहीं कर सकते हैं। किसी के साथ में यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, मतलब किसी भी एक आर्टिस्ट है जिसके आपके पास सॉन्ग्स हैं, उनका कलेक्शन है, और यहाँ तक कि अगर आपके पास उसकी परमिशन भी है, इफ यू हैव देयर परमिशंस, तो भी आप उस चीज को यहाँ पे मोनिटाइज नहीं कर सकते हैं। कि ऐसा हो सकता है कि आपने उसका कॉपीराइट लेके रखा हो तो भी आप यहाँ पे उनको मोनिटाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ही कंटेंट को कितने लोग मोनिटाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप किसी का भी यहाँ पे सॉन्ग वगैरह, किसी भी आर्टिस्ट के सॉन्ग वगैरह अपलोड नहीं कर सकते हैं। वो चीज आप अगर ऐड करते हैं तो आप उनको मोनिटाइज नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कंटेंट अपलोडेड मेनी टाइम्स बाय अदर क्रिएटर। अब यहाँ पे लोग करते क्या है कि एक वीडियो बनाएंगे और उनके 5 चैनल हैं। अब मान लीजिए उनके 5 चैनल हैं और वो सेम वीडियो जो है वो 5 चैनल पे उनने डाल दिया और वो 5 जगह उसको मोनिटाइज करना चाहते हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एक वीडियो है, वो आप चाहते हैं कि आपका ओरिजिनल वीडियो है, आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आपने उसको बोल दिया कि आप मेरा वीडियो यहाँ से डाउनलोड कर लो और आप अपने चैनल पे अपलोड कर दो, तो ये चीज भी यहाँ पे मोनिटाइज नहीं होगी। कि वो चीज एक बार अगर एक जगह पे अपलोड हो चुकी है तो वो चीज किसी और क्रिएटर अगर उसको अपलोड करता है तो वो चीज वहां पे मोनिटाइज नहीं होगी। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है प्रमोशन ऑफ अदर पीपल्स कंटेंट। मतलब आप किसी भी इंसान के या
या किसी के भी कंटेंट को आप यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास परमिशन भी है, उसने बोला है कि आप मेरे कंटेंट को प्रमोट कर दो, तो भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे पीपल्स कंटेंट की किसी और की कोई चीज है, उसने प्रमोशन के लिए बोला है, तो वो चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और अगर आप प्रमोशन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पैसा मिल रहा है तो आप कर दो प्रमोशन, लेकिन उन वीडियोस के लिए आपको मोनिटाइजेशन नहीं उस पे इनेबल करना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि मेरे इस प्रोडक्ट का आप प्रमोशन कर दो अपने चैनल पे, मैं ऑब्वियसली बात है कि अगर मुझे पैसा मिलेगा तो मैं उसका प्रमोशन करूंगा, लेकिन अगर मैं वहां पे प्रमोशन कर रहा हूं तो मैं यहां पे यूट्यूब से उस पे अर्निंग नहीं कर पाऊंगा। तो कुल मिला के कुछ ये ऐसे पॉइंट्स थे जो कि अगर आप यहां पे फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपने चैनल को मोनिटाइज, अगर आपका नहीं है अभी तक तो भी आप यहां पे मोनिटाइज कर सकते हैं, और अगर आपका चैनल ऑलरेडी मोनिटाइज्ड है तो आप उसको आगे भी चालू रख सकते हैं। तो इन चीजों का आपको बेहद ख्याल रखना है। जो भी ये पॉलिसीज है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप पूरी ये लिंक चेक कर लीजिएगा। तो आपको बाकी जो भी चीजें अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और जाते जाते बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए पर डे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पर नए नए टॉपिक्स लेके आता रहा करता हूँ, और आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप के वेज बताए हैं कि आप किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।